मैं बस कोयम्बटूर में एक परिवार में किसी के घर आया हुआ था। ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है कि अगर कोई घर आए तो हमेशा पहली चीज ये होती है, ये वेलकम करने का पहला तरीका है, एक ग्लास पानी हमेशा। तो ये महिला ट्रे में एक ग्लास पानी लेकर आई। मैंने उन्हें देखा, वो मुझे काली जैसी दिखी। आपने काली के बारे में सुना है? आप सभी ने जो भारतीय नहीं है, आपने काली के बारे में सुना है? काली देवी का एक भयंकर रूप है जी, बाहर निकली हुई है और हर तरफ खून ही खून है और ये सब। तो मैंने बोला, आज आप काली जैसी दिख रही हैं, मुझे ये पानी नहीं पीना है। जैसे ही आप कहते हैं मुझे पानी नहीं पीना, ये एक और बात है जो आपको जाननी जरूरी है। अगर आप एक दक्षिण भारतीय घर में जाएं, जब वो पानी लाएं, आपको ना नहीं कहना है, आप एक घूंट पी लीजिए। आप समझ रहे हैं? अगर आपने ना कह दिया तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे कि आप उनके घर में पानी पीने से मना कर रहे हैं। तो अब मुझे पता था कि अब एक और ड्रामा शुरू होगा। फिर मैंने कहा, ओके, पहले आप एक घूंट पीजिए। उन्होंने एक घूंट पी और बोली, इसका मतलब उन्हें लगा मैं उन्हें खाना चखने वाला बना रहा हूं। और वो बोली, ये पानी अच्छा है। उनका मतलब था मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। मैंने कहा, आपको जहर मिलाने की जरूरत नहीं, आप जैसी हैं वही काफी है, इसको थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिए। उन्होंने पानी मुझे दिया, मैंने इसे सिर्फ एक मिनट के लिए अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें वापस दे दिया और कहा, इसे पीजिए। उन्होंने इसे पिया और उनके आंसू निकल आए और वो जोर जोर से रोने लगी। ये मीठा है, ये मीठा है, रोते हुए बोली। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, आपका यह जीवन बस इसीलिए है। आप या तो इसको मीठा बना सकते हैं या इसे जहरीला बना सकते हैं, यह आपके ऊपर है, बस इतनी सी बात है। तो ये पानी आज, इसके बारे में हम भारत में कितने ही तरीकों से जानते हैं कि तीर्थ, हर एक मंदिर में तीर्थ होता है, क्योंकि पानी में याद रखने की और बुद्धिमत्ता की क्षमता होती है। आजकल इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। पानी का हर एक मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल जो मिलकर पानी की कोशिकाएं बनाते हैं, उनमें चीजों को याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। पानी के चारों तरफ जो कुछ भी होता है वो इसे याद रखता है। ये जिस भी चीज के संपर्क में आता है ये उसे याद रखता है। ये जीवित है, ये जीवित है और बुद्धिमान है। पानी बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करता है जैसे कि इंसान का नर्वस सिस्टम करता है। अगर आप इस पानी को लें और किसी तरह की भावना से सिर्फ इसे देखें तो तुरंत इसकी मॉलिक्यूलर बनावट बदल जाएगी। अगर आप इसे दूसरी तरह की भावना से देखें तो यह अलग तरीके से बदल जाएगा। अब यह बात दादी माँ की कहानी भर नहीं रह गई है। आज भी दक्षिण भारतीय घरों में अगर आप जाएं और देखें, पानी को देवता की तरह रखा जाता है। आप समझ रहे हैं? इस पर विभूति यानी पवित्र भस्म लगी हुई होती है। रोज इसकी बाकायदा पूजा होती है। पीने से पहले पानी की पूजा होती है, क्योंकि हम हमेशा से जागरूक रहे हैं कि पानी में याददाश्त होती है। अगर इसमें सही चीजों की याददाश्त होगी तो यह आपके भीतर सही काम करेगा। अगर इसमें बुरी चीजों की याददाश्त है तो यह आपके भीतर बुरे काम करेगा।